क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 4 लर्न कर लिया था। गौरव चलो क्वेश्चन नंबर 5। ओपन हो गया सबने सबने ओपन कर लिया। चलो नम्रता रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करना है। नम्रता आवाज आ रही? चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 4 कल लर्न कर लिए थे अपन ने, फिफ्थ वन। चलो, राइट अबाउट the non metallic minerals found in India. Found in India. नॉन मेटेलिक मिनरल्स फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना ठीक है। फोर्थ में है मेटेलिक मिनरल्स और फिफ्थ में है नॉन मेटेलिक, तो क्वेश्चन के लिए रीड करना अगर आपसे कर कोई एग्जाम में पूछे ठीक है। चलो आंसर, द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, द नॉन मेटेलिक मिनरल्स The non-metallic found in the country, found in the country are coal and petroleum. are called and petroleum. Found in the country found in In the country, are coal and petroleum. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, और किसी को कर। चलो देवांग, देवांग क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ फिर से रिपीट करते हैं। द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, The non-metallic minerals. the non-metallic minerals The non-metallic minerals found in the country, found in the country, found in the country, found in the country are coal and petroleum. 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 Coal is extremely useful. 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 In industries, in industries, in industries, in industries, households, households, in industries, in industries,
Households. Households. And automobile sector. And automobile sector. And automobile sector. And automobile sector. Diamond is also produced. Diamond is also produced. Diamond is also produced. Diamond is also produced. From coal. From coal. From coal. From coal. Petroleum is also important. Petroleum is also important. Petroleum is also important. Petroleum is also important. For the automobile sector. For the automobile sector. For the automobile sector. For the automobile sector. And is also used to produce. And is also used to produce. For the automobile sector. For the automobile sector. And is also used to produce. And is also used to produce. Natural gas. Natural gas. And is also used to produce. And is also used to produce. Natural gas. Natural gas. पहले हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं अपन. नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में लिखना है आप लोगों को, ठीक है? कल हमने पढ़ा था मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, दोनों का आंसर अलग हुआ है ना, कंफ्यूज मत हो जाना. नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, कौन से मिलते हैं अपने कंट्री में? कॉल और पेट्रोलियम, ठीक है? ये दोनों मिनरल्स अपनी कंट्री में मिलते हैं, जो क्या है, नॉन मेटेलिक, मतलब इनमें मेटल नहीं होता, ठीक है? कोल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, कहाँ कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना, इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है? वहां पर एनर्जी के लिए कोल यूज होता है. हाउस होल्ड में भी यूज होता है, मतलब अपने घर में भी यूज होता है. और ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां पर व्हीकल्स बनती है ना, वहां पर भी क्या यूज होता है? कोल. सर, हाँ सर, हमें क्या ये जो नोट्स आ रहे हैं इनमें सर, हमें ये हार्ड वर्ड्स कैसे करने होंगे? बेटा अभी हार्ड वर्ड्स नहीं लिखने, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने, ठीक है? ओके सर. क्वेश्चन आंसर लिखो और एक पेज लीव कर दो. ओके सर. डायमंड भी क्या होता है? कोल से प्रोड्यूस होता है ना. डायमंड भी क्या होता है? कोल से प्रोड्यूस होता है. पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जहां पर व्हीकल्स बनती है पेट्रोलियम, ठीक है? पेट्रोलियम से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, जिसको अपन यूज करते हैं अपनी व्हीकल्स चलाने के लिए. और वो और काय में यूज होता है? किसको प्रोड्यूस करने में? नेचुरल गैस. इसको प्रोड्यूस करने में भी क्या यूज होता है? पेट्रोलियम, ठीक है? चलो एक बार देवांग क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर लो. सर, सर क्या? क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर लो, फिफ्थ वाला. राइट अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया. आंसर, the non-metallic minerals found in the country are coal and petroleum. Coal is extremely useful in industries, households and automobile sector. Diamond is also produced from coal. Petroleum is also important for the automobile sector and is also used to produce natural gas. Question number one, long answer, short answer. ठीक है, long answer सारे learn कर लिए अपने. Now long answer.
ठीक है, डिफाइन नाउ, कौन रिपीट करेगा इसको? हाँ सब तुम ही रिपीट कर लो है ना, बाकी को दे ही नहीं अपन मौका। चलो अब करता है, क्या नेम है इसका? बेटा अनम्यूट करो, क्या नेम है? बेटा नेम क्या है जल्दी बोलो। सर मोहम्मद फिजान। मोहम्मद शिजाद, ओके चलो नोट से आपके पास। यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन मिनरल्स, रिपीट। डिफाइन मिनरल्स। मिनरल्स, वेट अ सेकेंड, ये तो अपन लर्न कर चुके हैं ना। एक ही आंसर बच रहा था क्या अपना? वेट अ सेकेंड, सिद्धि कल कल क्या लर्न करा था? सर अपना ने कल ये वाला लर्न कर लिया था। शॉर्ट आंसर लर्न कर लिए थे ना? यस सर, डिफाइन ना। और लॉन्ग आंसर में मेरे हिसाब से दो ही करे थे। यस सर, दो ही कर लिए है ना, दो ही करे थे ना, तो बता भी नहीं रहे हो, पूछ रहा हूँ तो। सर तू ही कर लेते अपने लॉन्ग शॉट। ठीक है, लॉन्ग में अपन ने तीन कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ करा अभी तक? थर्ड कर लिया क्या लॉन्ग में? यूज रिसोर्सेज वाइजली। सर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। थर्ड नहीं कराएगा अपन ने? थर्ड वाला तो नहीं करा है ना? नो सर, नहीं करा है। चलो थर्ड रिपीट करेगा, चलो आलोक थर्ड आप ही रिपीट करो। क्या हो गया शु? सर सेकंड भी नहीं। बेटा सेकंड हो गया था कल। सेकंड भी नहीं हुआ था। नो सर। चलो ठीक है, सेकंड सर शॉर्ट आंसर भी गन चल दिया था, ये वाला ऊपर वाला शॉर्ट आंसर हो गए थे है ना? यस भी। और लॉन्ग आंसर में एक एक ही हुआ था। यस चलो ठीक, चलो अपन ने सेकंड थर्ड और फोर्थ करना है आप लोगों को। कौन है अनम्यूट? सर हम। आलोक और शुभ तो हो गया ना अनम्यूट, हो गया ना? चलो ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर नॉन मेटलिक मिनरल्स? What are non-metallic minerals? Answer, non-metallic minerals are found below the surface of the earth. Below the surface of the earth. Non-metallic minerals. Are found.
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. 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 दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. For industries, for industries and domestic purposes, they are extremely important for industries and domestic purpose. Some of the important non-metallic minerals. Some of the important non-metallic minerals of India are coal and petroleum. coal and petroleum. ठीक है, पहले मैं explain कर देता हूँ. उससे पहले आप ये change कर लो. ठीक है, second answer की first line का third word है ना, यहाँ पर मेटल्स लिखा हुआ है ना, इसको कर लो आप मिनरल्स. यस सर. इसको चेंज करके आप लिख लो, इसके ऊपर ही लिख लो मिनरल्स. ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, इसको चेंज करके लिखना है आपको मिनरल्स. ठीक है, चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं अपनों को? अर्थ के सरफेस के नीचे. ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे अपनों को क्या मिलेंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पर्पसेस. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए और अपने घर के कामों के लिए. ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर. अब इनमें से दो बता रखे हैं कि कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स से. फर्स्ट इज कोल है ना, कोयला और पेट्रोलियम. ठीक है, ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इनमें मेटल नहीं होता है इसलिए ये कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल. चलो आलोक रिपीट कर लो क्वेश्चन और आंसर. What are non-metallic minerals? Non-metallic minerals are found below the surface of the earth. Below the surface of the earth, they are extremely important for industries and domestic purpose. Purposes. Some of the important non-metallic minerals of India are coal and petroleum. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर थ्री रिपीट करेगा सर. यस सर, जब अपने सारे नोट कंप्लीट हो जाएंगे तो वो स्कूल में कॉपी जमा करनी है. आपको बोला है क्या सर? सर ऐसा तो नहीं है, हमने सब कॉपियां कंप्लीट तो कर ली है. चलो आपको मैसेज आ जाएगा है ना कि कब सेंड करनी है. यस चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री रिपीट करेगा. थ्री रिपीट कौन करेगा? अदनान.
चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई शुड बी यूज, व्हाई शुड बी यूज, व्हाई शुड बी यूज, व्हाई शुड बी यूज मिनरल रिसोर्सेस वाइजली, मिनरल रिसोर्सेस वाइजली, मिनरल रिसोर्सेस वाइजली, मिनरल रिसोर्सेस वाइजली। ठीक है, मतलब हमें मिनरल जो रिसोर्सेज, मतलब जितने भी मिनरल्स हैं हमें उसको वाइजली, मतलब बिना वेस्ट किए क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, आंसर वी शुड यूज, वी शुड यूज, वी शुड यूज, वी शुड यूज मिनरल रिसोर्सेज वाइजली, मिनरल रिसोर्सेज वाइजली, मिनरल रिसोर्सेस वाइजली, मिनरल रिसोर्सेस वाइजली एज दे आर, एज दे आर, एज दे आर, एज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एज दे आर, एज दे आर non-renewable resources, non-renewable resources and cannot be obtained, and cannot be obtained, and cannot be obtained, and cannot be obtained once exhausted, once is exhausted, once exhausted, once exhausted and cannot be obtained, and cannot be obtained once exhausted, once exhausted। ठीक है, एक बार आंसर समझ लेते हैं। हमें मिनरल रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए कैसे, वाइजली। ठीक है, मतलब उसको बिना वेस्ट किए, क्यों, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि हम उसे वापस नहीं बना सकते। ठीक है, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अब जैसे वाटर, तो वाटर क्या है, रिन्यूएबल, मतलब वाटर तो फिर से बढ़ भी सकता है, प्रोड्यूस भी हो सकता है, बट मिनरल्स रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, हम उसे वापस नहीं बना सकते, और कैन नॉट बी ऑब्टेन, मतलब उसे हम वापस ऑब्टेन भी नहीं कर सकते हैं, once exhausted, exhausted मतलब एक बार अगर वो खत्म हो जाए, exhausted मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, हमें, हमने उसे पूरा यूज कर लिया तो हम उसको वापस यूज नहीं कर पाएंगे, हमने अगर यूज कर लिया तो वापस हमको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अदनान रिपीट कर लो। क्वेश्चन थर्ड, why should we use mineral resources wisely? Answer, we should use mineral resources wisely as they are not renewable resources and cannot be obtained once exhausted. Once exhausted. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर कौन रिपीट करेगा? क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर विल बी रिपीटेड बाय अल्फेस। आवाज आ रही है? सर, चलो नोट से। यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट अबाउट द मेटेलिक मिनरल्स The metallic minerals found in India.
मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉन मेटेलिक अलग है और मेटेलिक अलग है, ठीक है। आंसर द मेटेलिक मिनरल्स, द मेटेलिक मिनरल्स found in India are manganese, iron, gold, copper, aluminium, lead, and zinc, lead, and zinc. India is rich in manganese and iron. Gold is one of the most valuable metals. Found in India. And is extremely used in the country. ठीक है, पहले आप रिपीट कर लो, चलो क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। The minerals. Question also, question B. Where out the metallic minerals found in India? The metallic minerals found in India are manganese, iron, gold, copper, aluminium, lead, and zinc. India is rich in manganese and iron, gold is one of the mod. Most valuable found in India and is X. Extremely used in the found in the ये क्या लिखा है? बेटा कंट्री रीड करना नहीं आ रहा आप लोगों को? चलो एक और बार कौन रिपीट करेगा इसको? गौरव, चलो
जल्दी सिर्फ आंसर, सिर्फ आंसर। द मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर मैंगनीज, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, लीड एंड जिंक। इंडिया इज रिच इन मैंगनीज एंड आयरन। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स। आवाज ही नहीं आ रही है, हो गया बेटा, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। चलो एक बार और रिपीट कर लेंगे। चलो सिद्धि, चलो आंसर रिपीट कर लो एक बार, बिल्कुल धीरे धीरे। सर कौन सा वाला? वो वाला फोर्थ वाला। फोर्थ, आंसर की क्वेश्चन। Answers. The metallic minerals found, in India are manganese, iron, gold, copper, aluminium, lead, and zinc. India is rich in manganese, iron, gold. Is one of the most valuable metals found in India, and it's extremely used in the country. Okay, so let me explain कर देता हूँ मैं। Metallic minerals कौन-कौन से मिलते हैं अपने इंडिया में? Manganese, iron, gold, copper, aluminium, lead और zinc. ये सारे मेटेलिक मिनरल्स अपने इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैंगनीज और आयरन, ये दोनों अपने इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। गोल्ड एक बहुत वैल्यूएबल मेटल है ना। गोल्ड क्या है? जो एक मेटल है जिस जो अपने इंडिया में मिलता है, ठीक है, और वो अपने इस कंट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज इसका होता है ना, सब मोस्टली क्या बनवाते हैं? ज्वेलरी और ये सब बनवाते हैं गोल्ड से, गोल्ड है ना, ठीक है। तो ये हो गए अपने फाइव, सारे आंसर्स हो गए हैं। इस चैप्टर का कल टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2 का, सोशल साइंस 2 का टेस्ट है, और होमवर्क में भी देख लेना, अभी मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके। चलो वी आर एंडिंग क्लास, इस चैप्टर को लर्न करो आप, है ना। हाँ बेटा कल टेस्ट है, क्या हो गया शुभ? क्वेश्चन होमवर्क, यही तो है, टेस्ट लर्न करो आप टेस्ट के लिए, ठीक है। और हाँ दो बजे या तीन बजे, कितनी बजे होता है? चल दो बजे। तो फिर क्यों ज्यादा होशियार बन रहे अपन बार बार पूछ के? तीन बजे हुआ कब? इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश तो नहीं पढ़ाता हूँ ना मैं, है ना। तो मेरे सब्जेक्ट का हमेशा 2 बजे होगा, ठीक है। ओके वी आर एंडिंग क्लास।